नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रितेश कुमार गौतम। और खबरों की शुरुआत एक बड़ी जानकारी दिल्ली से, अहम खबर। कांग्रेस अध्यक्ष पद से चुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। दरअसल दिग्विजय सिंह ने अध्यक्ष पद के लिए चुनाव में उतरने को लेकर फॉर्म लिया है और बताया जा रहा है कि कल वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। दरअसल कल ही आखिरी तारीख है नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, लेकिन दिग्विजय सिंह का नाम जिस तरह से बीते दिन बाहर आया अध्यक्ष पद की रेस में, और उसके बाद से ही अशोक गहलोत की दावेदारी पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग गया, क्योंकि लगातार जिस तरह से राजस्थान का घटनाक्रम हुआ, एक के बाद एक डेवलपमेंट बहुत तेजी से बदले। मैं आज अपना नामांकन फॉर्म लेने आया हूं और संभवतः कल भरूंगा। धन्यवाद। तो दिग्विजय सिंह का बयान आपने सुना, पर्चा ले लिया है, कल नामांकन दाखिल करेंगे। ज्यादा बातचीत के लिए स्पर्श शर्मा हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़ गए हैं फोनलाइन पर। स्पर्श, लगातार जो कांग्रेस के भीतर जिस तरह से स्थिति है बहुत तेजी से बदल रही है, राजस्थान के घटनाक्रम पर नजर दौड़ाएं तो अशोक गहलोत का नाम बहुत तेजी से आया, लेकिन एकाएक बदली परिस्थितियों में अशोक गहलोत का नाम पीछे हो गया। फिर कल खबर आती है कि दिग्विजय सिंह रेस में आगे हैं और वो नामांकन फाइल करेंगे, पर्चा उन्होंने ले लिया है, कल नामांकन दाखिल उनकी ओर से किया जाएगा। क्या माना जाए, अब अशोक गहलोत की जो दावेदारी थी वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से खत्म हो गई है? देखिए, अशोक गहलोत की दावेदारी अभी खत्म हुई है या फिर कमजोर हुई है, इसको लेकर असमंजस की स्थिति बरकरार है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि अशोक गहलोत सोनिया गांधी से जो है मुलाकात कर सकते हैं कुछ ही देर बाद, और उसके बाद चीजें और ज्यादा स्पष्ट होती हुई नजर आएगी। अब जो सभी की निगाहें टिकी हुई है वो दिग्विजय सिंह के नामांकन को लेकर तो टिकी हुई है कि कल वो नामांकन भरेंगे, लेकिन दिग्विजय सिंह के सामने कौन होता हुआ नजर आएगा, ये सभी की निगाहें जो है टिकी हुई नजर आ रही है। शशि थरूर जो है वो व्यक्ति हो सकते हैं जो नामांकन कल भरते हुए नजर आएंगे, या फिर जब सोनिया गांधी से मुलाकात हो जाएगी तो अशोक गहलोत क्या एक बार फिर से नामांकन जो है भरते हुए नजर आएंगे। अशोक गहलोत नामांकन भरेंगे तो राजस्थान की राजनीति में किस तरीके का भूचाल आएगा, ये चीजें देखने वाली बात रहेगी। अब तक जो निगाहें सिर्फ कल अंतिम डेट को लेकर टिकी हुई थी कि नॉमिनेशन कौन भरता हुआ नजर आएगा, अब वो जो निगाहें हैं वो 8 तारीख तक टिक गई है। 8 तारीख वो तारीख है जब नॉमिनेशन कोई भी वापस जो है लेता हुआ तब तक जो है नजर आ सकता है। तो ऐसे में अगर अशोक गहलोत भी नॉमिनेशन भरते हैं और दिग्विजय सिंह भी नॉमिनेशन भरते हैं तो वो दोनों ही गांधी परिवार के लॉयलिस्ट माने जाते हैं, और गांधी परिवार ये कभी नहीं चाहेगा कि यहाँ पर लड़ाई की स्थिति जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आए, और इसलिए हो सकता है कि उनमें से कोई एक ही व्यक्ति जो है नॉमिनेशन भरता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिलहाल नॉमिनेशन फॉर्म दिग्विजय सिंह ने ले लिया है, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि कल वो नॉमिनेशन भरते हुए नजर आएंगे। और इस वक्त की अगर बात करते हैं तो दिग्विजय सिंह कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे उनके आवास पर मौजूद है। स्पर्श, दिग्विजय सिंह के नाम पर और चर्चा करें उससे पहले एक जरूरी सवाल इस लिहाज से हो जाता है क्योंकि दिल्ली में अभी बड़े बड़े दिग्गजों का जमावड़ा लगा हुआ है। एक तरफ अशोक गहलोत हैं, दूसरी तरफ सचिन पायलट भी मौजूद हैं, और खबरों के अनुसार बहुत जल्द एक मुलाकात भी हो रही है। अगर ये मुलाकात होती है तो किस तरह की चर्चाएं, कोशिशें होंगी कांग्रेस आलाकमान की ओर से, किस तरह से जो स्थिति बदली है, बिगड़ी है कांग्रेस पार्टी के लिए, उसको सुधारा जा सके? देखिए, आप बिल्कुल, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का दिल्ली में जमावड़ा देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। सचिन पायलट दिल्ली में मौजूद हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात कर सकते हैं, और इसके अलावा अशोक गहलोत की आज मुलाकात सोनिया गांधी से संभव जो है बताई जा रही है, और सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट होती हुई नजर आएगी कि कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी किसकी मजबूत जो है सीधे तौर पर देखने को जो है मिलती हुई नजर आएगी। और इसलिए तमाम चीजें जो है अब कहीं ना कहीं इंतजार के फेर में है कि कौन कैसे कब मुलाकातों का दौर जो है करता हुआ जो है नजर आएगा। इसलिए आज का जो दिन है कांग्रेस अध्यक्ष पद के रेस के लिए वो काफी महत्वपूर्ण देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। सुबह से ही अगर हम बात करें तो बैठकों का दौर है वो देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। पी चिदम्बरम जो है दिग्विजय सिंह है उनसे मुलाकात करते हुए नजर आते हैं, केसी वेणुगोपाल जो है सोनिया गांधी से मुलाकात करते हुए जो है नजर आते हैं। ऐसे में क्योंकि कल नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है तो किस तरीके से ये सारी प्रक्रिया आगे बढ़ती हुई नजर आएगी ताकि कांग्रेस एक मजबूत हाथों में पहुंच जाती है। एक अहम सवाल यहाँ पर इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, दरअसल अशोक गहलोत खुद नहीं बनना चाहते कभी भी कांग्रेस अध्यक्ष, उन्होंने खुलकर कहा है कि राजस्थान में रहना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने राहुल गांधी का जिक्र किया हो, सोनिया गांधी का जिक्र किया हो, कहा गया कि अगर मुझसे कहा जाएगा तो मैं जरूर लड़ूंगा, और कुछ कुछ परिस्थितियां बन भी रही थी वैसे ही, लेकिन एकाएक बदली
राजनीतिक घटनाओं ने राजस्थान में जिस तरह से भूचाल मचाया, उसके बाद अशोक गहलोत की दावेदारी पर सवाल उठाए गए। अब दिग्विजय सिंह ने फॉर्म लिया है, कल वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अंदर खाने क्या खबर चल रही है, पार्टी आलाकमान गांधी परिवार क्या दिग्विजय सिंह के साथ खड़ा है इस मुद्दे पर, क्या उनकी तरफ से हामी भर दी गई है दिग्विजय सिंह को लेकर, क्योंकि दिग्विजय भी उन नेताओं में शुमार रहे हैं जो गांधी परिवार के बेहद करीबी रहे और जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में भी खुद आगे रहे हैं राहुल गांधी के साथ दिग्विजय। पर दिग्विजय सिंह के संदर्भ में कांग्रेस या फिर कहें कि गांधी परिवार से जो है क्लीन चिट हरी झंडी मिली थी, उसी के बाद जो है दिग्विजय सिंह अपना नॉमिनेशन जो है भरते हुए जो है नजर आ रहे हैं। हालांकि ऑन कैमरा जब भी बात होती है तो कहते हैं कि मेरी गांधी परिवार से जो है इसको लेकर बातचीत नहीं हुई है, लेकिन अभी जो सभी की निगाहें हैं वो अशोक गहलोत की मुलाकात जो सोनिया गांधी से होगी उस पर टिकी हुई है। और वहां पर अगर इस तरह की स्थिति बनती हुई नजर आती है कि अशोक गहलोत जो है मना लिया जाता है अशोक गहलोत को कि वो जो है अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन जो है वो भरते हुए जो है नजर आए, तो वहां पर ये स्थिति बनेगी कि क्या टकराव की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट, मतलब कहा जा सकता है कि परिस्थितियां कांग्रेस पार्टी के लिए काफी ज्यादा जटिल होती हुई नजर आ रही हैं। दिग्विजय ने फॉर्म लिया है, कल नामांकन दाखिल करेंगे, उससे पहले कई सारी मुलाकातें आज दिल्ली में बेहद महत्वपूर्ण कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मानी जा रही है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए स्पर्श। बहरहाल देखना है कि आखिरकार किस तरह से ये पूरी चुनावी प्रक्रिया रहने वाली है, कौन कौन से दावेदार मैदान में होंगे, कौन कौन अपना नाम वापस लेगा। लेकिन बड़ी और अहम तस्वीर जो बढ़कर सामने आई है वो यही है कि दिग्विजय ने फॉर्म लिया है, कल नामांकन दाखिल करेंगे।